हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल के एक और न्यू वीडियो में। ये है हमारा एडजेक्टिव का पार्ट 3 और इंग्लिश क्लास का ये पार्ट 10 है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे कि कल जहाँ पे हमने ऐड किया था वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आगे। आगे यहाँ पे आपके पास में है कि इनफ जो वर्ड है इसके बारे में हम जानेंगे। इनफ वर्ड तो है आपके पास में एडवर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। कब काम करेगा ये एडवर्ब का? आफ्टर द एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव पहले लगा हुआ है उसके बाद इनफ लगा हुआ है तो ये काम करेगा एक एडवर्ब का, लेकिन अगर ये बिफोर द नाउन लगा हुआ है तो ये आपके पास काम करेगा एडजेक्टिव का। जैसे इससे समझिए कि राम इज रिच इनफ। अब यहाँ पे इनफ जो लगा हुआ है आपका, वो यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो एडवर्ब का काम कर रहा है, क्यों कर रहा है कि यहाँ से इससे पहले आपके पास में क्या लगा हुआ है, रिच। रिच क्या है, एक आपके पास में एडजेक्टिव। कैसे पता चलेगा, इससे सवाल कीजिए कैसा है तो आपको जवाब मिलेगा रिच, अमीर है, तो ये आपके पास में हो गया। उसके बाद देखिए कि राम हैज इनफ रिच। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या है, नाउन है। ठीक है, ये रिच था, ये रिच हो गया आपके पास में, ये नाउन है आपके पास में और ये नाउन से पहले लगा हुआ है, देखिए बिफोर द नाउन। तो यहाँ पे आपके पास में ये जो कैसे लगा, क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, तो ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में देखिए आपके पास आगे एग्जाम्पल है कि सोहन इज ऑनेस्ट इनफ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि जो ऑनेस्ट वर्ड है ये आपके पास में एक एडजेक्टिव है, क्योंकि आपको पता है कि इससे सवाल करेंगे आप हाउ से, कैसा है, ऑनेस्ट है, जवाब मिला तो ये एडजेक्टिव है। उसके बाद में अगर ये इनफ लगा हुआ है आपके पास में तो ये इसके किसका काम करेगा, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद में ये एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए कि सोहन हैज इनफ ऑनेस्टी। अब देखिए ऑनेस्टी यहाँ पे नाउन है और इससे पहले इनफ लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं और एग्जाम्पल्स आपके लिए। यहाँ पे देखिए कि सीता इज सक्सेसफुल इनफ। अब देखिए सक्सेसफुल के बाद में इनफ लगा हुआ है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपके पास में एडजेक्टिव हो गया और ये आपके पास में एडवर्ब हो गया। इसी के साथ में सीता हैज इनफ सक्सेस, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। तो इस प्रकार से आप पहचान कर सकते हैं राम इज स्ट्रॉन्ग इनफ और राम हैज इनफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में दोनों में आप पता लगाएंगे कि राम इज स्ट्रॉन्ग इनफ तो ये एडजेक्टिव हो गया और उसके बाद में इनफ लगा हुआ है तो ये एडवर्ब हो गया। इसी के साथ में इनफ स्ट्रेंथ ये आपके पास में नाउन हो गया और इससे पहले इनफ लगा है तो ये आपके पास एडजेक्टिव हो गया। तो इस प्रकार इसकी पहचान हो जाएगी, आप आसानी से इसे कर पाएंगे। और इसके बाद आगे देखें कि मच और टू। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, एक एडवर्ब है और उसके बाद में है टू मच। एक तो मच टू होता है, एक टू मच होता है, तो ये आपके पास में जब मच टू हो तो ये एडवर्ब होता है और प्लस में इसके क्या लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा। और इसके बाद में अगर आपके पास टू मच हो तो ये आपके पास में क्या है, एक एडजेक्टिव है और इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, नाउन लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद में नाउन लगाना है आपको, इसके बाद में एडजेक्टिव लगाना है, जैसे आप एग्जाम्पल से आगे समझ पाएंगे। देखिए एग्जाम्पल आपके पास में है कि सीता इज मच टू ब्यूटिफुल, मच टू ब्यूटिफुल। अब यहाँ पे देखिए सीता इज मच टू ब्यूटिफुल, तो यहाँ पे आपके पास में जो मच टू है आपके पास में ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, और जो ब्यूटीफुल है ये एक एडजेक्टिव है और ये देखिए इसे सवाल करिए कैसा है, ब्यूटीफुल है, सीता कैसी है, ब्यूटीफुल है। हाउ से सवाल करेंगे, जवाब मिल रहा है। ओके, तो ये आपके पास में एडजेक्टिव है। तो वहां पे जो लिखा हुआ था कि आपके पास में जब भी मच टू हो, ठीक है, मच टू हो तो इसके साथ में आपके पास में क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। उसके बाद देखिए कि सीता हैज टू मच ब्यूटीफुल, सीता हैज टू मच, देखिए मच टू था ये टू मच हो गया। अब ये आपके पास में क्या है, टू मच है और इसके बाद में आना चाहिए क्या आपके पास में, नाउन आना चाहिए। यहाँ पे आपने देखा कि टू मच के बाद में ये एडजेक्टिव पहले से है तो ये क्या है, नाउन आना चाहिए। तो ये इसके आगे जो लगा हुआ है ये आपके पास में क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है और यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपके पास में ब्यूटीफुल वर्ड है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है और यहाँ पे ये नाउन कैसे बन गया, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल की जगह पे आपको क्या लगाना है, ब्यूटी लगाना है। ठीक है, तो ये आपके पास में सही होगा और ये ब्यूटीफुल गलत होगा, सीता हैज टू मच ब्यूटी, क्योंकि आपको पता है कि जब टू मच है तो इसके आगे तो नाउन आना चाहिए और ये नाउन है नहीं, ये एडजेक्टिव है, तो यही इसमें एरर है। और ये आपके पास में ब्यूटी जो यहाँ पे क्या होगा, नाउन हो गया, तो ये आपके पास में सही होगा, सीता हैज टू मच ब्यूटी, या आप इसे बोल सकते हैं सीता इज मच टू ब्यूटीफुल।
तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसमें देखिए, दिस स्टोरी इज मच टू पेनफुल, ठीक है। अब इसे सवाल करिए हाउ से, तो ये बताएगा आपको कि कैसी है, पेनफुल है, दर्दनायक है। और उससे आप इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें नाउन पता करना है, तो व्हाट से क्या है, ब्यूटी है, ठीक है। तो इससे भी जवाब मिल रहा है, तो ये नाउन है। ओके, इसके बाद में देखिए कि दिस स्टोरी हैज टू मच। अब देखिए इसमें मच टू था, इसमें टू मच, उसके बाद पेन। अब देखिए पेन आपके पास में हो गया, पेन यानी कि दर्द, और पेनफुल यानी कि दर्दनायक। कैसा है, दर्दनायक है, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया, स्टोरी हैज टू मच, तो ये आपके पास में यहाँ पे सही हो जाएगा, और ये इस प्रकार से सही होगा। तो अगर यहाँ पे पेन कर देता, ठीक है, तो यहाँ पे दिस स्टोरी इज मच टू पेन, तो ये गलत होता, मच टू पेनफुल यहाँ पे सही होता, टू मच पेन ये भी सही है। तो इस प्रकार से आप इसे पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके पास में है कि ओनली टू का उपयोग कब करना है। ओनली टू जब भी हो तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव लगाना है इसके बाद में। अब देखिए ये जो ओनली है ये एक वर्ब है, और जो टू है आपके पास में ये क्या है, आपके पास में एडवर्ब है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ओनली टू जब भी होगा तो उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, और आपके पास में है नॉन। नॉन जो है आपके पास में ये कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए ये नॉट वर्ब लिखा गया है, नॉन टू। इसके बाद ये क्या है आपके पास में, एक एडवर्ब है, और इसके साथ में भी आपको एडजेक्टिव लगाना है। जैसे देखिए, राम इज ओनली टू ब्रेव सो ही कैन फेस हिज एनिमीज। अब यहाँ पे देखिए ओनली टू का प्रयोग हुआ है, ओनली टू का पहले वाले का प्रयोग हुआ है, ठीक है। सो ही कैन फेस हिज एनिमीज, तो यहाँ पे इसके लिए आपको पास में ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि सीता इज नॉन टू ब्यूटीफुल सो सी कैन विन दिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सीता इज नॉन टू ब्यूटीफुल, तो ये आपके पास में क्या लग गया, नॉन टू हो गया। उसके बाद में ही आपको क्या करना था, एडजेक्टिव लगाना था। तो यहाँ पे आपने देखे एडजेक्टिव, सो सी कैन विन दिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद में है राम इज, तो राम इज ओनली टू पुअर, ओनली टू पुअर। देखिए ओनली टू का प्रयोग हुआ है, सो इसके बाद सेंटेंस यहाँ पे लगा हुआ है कंजंक्शन, और इसके बाद पूरा सेंटेंस चेंज हो गया। सो ही कैन बाई दिस हाउस, ही कैन बाई दिस हाउस। तो यहाँ पे जो आपने देखा कि ही कैन बाई दिस हाउस, ये आपके पास में गलत हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है आपके पास में, टू पुअर, बहुत गरीब है, तो वो घर कैसे खरीद सकता है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, कैन नोट आपके पास में हो जाएगा। और इसी प्रकार आपने पहले वाले में भी मिस किया है, ये आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी नॉन लगा हुआ है, नॉन टू ब्यूटीफुल सो ही कैन विन दिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट। देखिए वो ब्यूटीफुल नहीं है, फिर ब्यूटी कॉन्टेस्ट कैसे जीत सकती है, तो बिल्कुल सही सोचा आपने। इस जो नॉन टू है आप इसको क्या कर देंगे, ओनली टू कर देंगे, ओनली टू ब्यूटीफुल सो सी कैन विन दिस कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो ये आपके पास में सही हो जाएगा, इस प्रकार से आप इस एरर को पहचान पाए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे फिर क्या है। आगे आपके लिए है कि सो प्लस एडजेक्टिव, सो प्लस एडजेक्टिव आपके पास में है, तो ये आपके पास में हो गया एडजेक्टिव प्लस नाउन, और एडजेक्टिव प्लस नाउन आप यूज कर रहे हैं तो ये आपके पास में गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, जैसे आप देखिए सो लगा रहे हैं तो आपके पास में क्या होगा, वेरी प्लस एडजेक्टिव, या आप एडजेक्टिव प्लस नाउन लगाएंगे तो सही होगा इस बार, ठीक है। वेरी के साथ आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, सो के साथ एडजेक्टिव नहीं होगा। आगे एग्जाम्पल में आपको समझ में आ ही जाएगा। अब देखिए मोहन इज सो टॉल बॉय, अब देखिए बॉय आ गया आपके पास में, नाउन है। अब यहाँ पे आप देखिए कि रोहन इज सो वाइज, रोहन इज सो वाइज, तो यहाँ पे आपके पास में आ गया वाइज, तो ये आपके पास में क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया आपके पास में। तो दोनों सेंटेंस में आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे आपके पास में क्या लगा हुआ है, सो लगा हुआ है, और उसके बाद में एडजेक्टिव भी आ गया, और एडजेक्टिव आने के बाद में आपने देखा कि यहाँ पे नाउन भी आ गया, तो नाउन की जरूरत यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। बॉय लगाने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये बोलिए कि मोहन इज सो टॉल, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे देखिए क्या देखा कि सो के बाद में आप एडजेक्टिव लगाएंगे तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर एडजेक्टिव के बाद में अगर नाउन जुड़ गया तो ये गलत हो जाएगा, और उसके बाद में अगर ये लगाना है आपको नाउन तो वेरी लगाइए, ठीक है। तो मोहन इज वेरी टॉल, आप इस प्रकार से करेंगे तो आपके पास में नाउन की जरूरत होगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे सो यूज कर रहे हैं तो आपके पास में टाल के बाद में नाउन की जरूरत नहीं है, एडजेक्टिव तक खत्म कीजिए। जैसे इसमें करिए आपने कि रोहन इज सो वाइज, सो लगाया आपके पास में, सो आया उसके बाद में एडजेक्टिव आ गया, अब एडजेक्टिव के बाद में सो वाइज बॉय लगाने की जरूरत आपको नहीं है, तो इसी में भी बॉय नहीं आएगा, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया होगा, मैंने दोनों सेंटेंस को पहले पढ़ा उसके बाद आपको बताया, आपको लगा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है।
अब कुछ एडजेक्टिव आपके लिए हैं जो कंफ्यूजिंग नेचर के होते हैं, ठीक है? तो ये भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। जैसे आप देखिए, सिक आपके पास में है, इसके लिए आपका जो सिक है और एक इल है। आप देखेंगे कि सिक कब यूज करते हैं, इल कब यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, स्लाइट इन डिस्पोजिशन और ये है सीरियस इन डिस्पोजिशन। अब देखिए, जब बंदा सीरियस होता है एकदम, तब आपको इल यूज करना है, और एकदम छोटा मोटा हल्का बुखार जैसा है तो आपको इल यूज करना है, ठीक है? आगे एग्जाम्पल से भी समझेंगे। उसके बाद है कि एल्डर, एल्डर कब यूज करना है और ओल्डर कब यूज करना है। देखिए, एल्डर होता है विद इन फैमिली, आपकी फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर एल्डर होगा, और ओल्डर क्या होगा आपके पास में, पर्सन एनिमल थिंग देन बियॉन्ड फैमिली, फैमिली के अलावा कोई भी पर्सन है, चाहे आपका चाचा हो, वो आपकी फैमिली में नहीं है, और आपकी फैमिली का मतलब आप समझ सकते हैं, तो वो फैमिली के बियॉन्ड जो भी है आपके, वो आपसे बड़ा है, तो उसके लिए ओल्डर यूज करेंगे, और फैमिली में सबसे बड़ा मेंबर एल्डर हो जाएगा। चाहे आपका भाई क्यों ना हो, आपका सगा भाई है, तो वो उसके लिए आप एल्डर यूज करिए, बड़ा भाई है तो, ठीक है? और अगर आपके पास में कोई और बड़ा है तो फैमिली के बियॉन्ड, तो वो ओल्डर होगा। अगर देखिए आप यहाँ पे कि माई फ्रेंड इज इल फॉर 6 मंथ्स। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपके पास में सिक्स, ठीक है? ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे 6 मंथ्स कर लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे सिक है तो ये गलत लिख गया, माई फ्रेंड इज इल फॉर 6 मंथ्स, इनकी 6 महीने से मेरा दोस्त बीमार है। तो आप सोचिए कि 6 महीने से कोई बंदा बीमार है तो वो आपके पास में सिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि सिक तो हल्का फुल्का 1-2 दिन में अगर जुकाम खांसी बुखार हुआ है तब यूज कर सकते हैं आप इल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो सीरियस मैटर है तभी यूज कर रहे हैं। तो 6 महीने है तो आपको समझ में आ रहा है सेंटेंस से कि हाँ, 6 महीने में कुछ ना कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे इल का, ये बिल्कुल सही है, और ये थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पे 6 है। ओके, अभी मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि कुछ जो आपके पास में एडजेक्टिव होते हैं वो रेगुलर क्वालिटी और एक्सट्रीम क्वालिटी होती हैं। अगर एक्सट्रीम क्वालिटी में है तो उनको और, अब जैसे डिग्री कंपेरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए मोर और मोस्ट का यूज करना है, तो हम कुछ रेगुलर क्वालिटी वाले और एक्सट्रीम क्वालिटी वाले एडजेक्टिव को डिस्कस करते हैं, जैसे आपको समझ में आए। जैसे हैप्पी आपके पास में वर्ड है, आपने सुना होगा कि हैप्पी का मतलब क्या होता है, आपको बता भी है, आपने बहुत बार सुना होगा। अब हैप्पी जो है एक रेगुलर वर्ड है, अब हैप्पी को यूज करते हैं तो इसमें मतलब यह है कि इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये जो रेगुलर क्वालिटी के वर्ड हैं इनसे ज्यादा एक्सट्रीम क्वालिटी, लेकिन एक्सट्रीम से ऊपर कुछ नहीं हो सकता, ये सारे सुपीरियर हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, हैप्पी जो है खुश ही खुश है, लेकिन इससे ज्यादा भी खुश हुआ जा सकता है। लेकिन आपके पास में अगर बोले कि डिलाइटेड, थ्रिल्ड है आपके पास में, स्केस्टिक है आपके पास में, उसके बाद में है इलेटेड है, तो इन वर्ड से आगे कोई खुशी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा खुश हैं आप और इनसे ऊपर खुश नहीं हो सकते, ये एक्सट्रीम है। उसके बाद देखिए, सैड आपके पास में है, सैड यानी दुखी, ठीक है? आपको इतना पता है सैड है, लेकिन इससे भी ज्यादा दुखी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोल दे कि डिवास्टेटेड, तो यहाँ पे आप इससे ज्यादा दुखी नहीं हो सकते हैं। ये आप समझ लीजिए, एक्सट्रीम का मतलब है कि बस अब इस चरम सीमा से ऊपर आप दुखी नहीं हो सकते, तो वो एक्सट्रीम हो गया, और ये डिवास्टेटेड वर्ड आपके पास में। सैड ये नॉर्मल क्वालिटी है, रेगुलर है, आप यूज करते हैं, जैसे कोल्ड है, कोल्ड, ठीक है? लेकिन फ्रीजिंग, या आप फ्रीज बोल दीजिए, फ्रीजिंग जो वर्ड है आपके पास में, इससे ज्यादा ठंडा नहीं हो सकता, ये ठंडा नॉर्मल ठंडा हो सकता है, लेकिन फ्रीजिंग से ज्यादा ठंडा नहीं हो सकता। ब्यूटीफुल है, ठीक है, लेकिन गॉर्जियस आपने बोल दिया तो इससे अधिक ब्यूटीफुल नहीं हो सकता, मतलब अधिक सुंदर नहीं हो सकता। तो गॉर्जियस वर्ड आप यूज करके देखिए, किसी को शायद समझ में नहीं आए, लेकिन आप समझ सकते हैं ब्यूटीफुल रेगुलर क्वालिटी है और एक्सट्रीम क्वालिटी क्या है, गॉर्जियस है, बैड है, बुरा है, अवेफुल है, अवेस्मल है, तो ये वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। आगे और वर्ड हैं जो भी आपको जानना चाहिए, जैसे गुड है, गुड अच्छा है, ठीक है, लेकिन एक्सीलेंट है, परफेक्ट है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। आपने किसी को बोल दिया एक्सीलेंट, तो बस आप बोल दिया, आप मतलब उसने 100% दिया है अपना और बहुत ही बेहतर किया है। गुड बोला तो हाँ, इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसमें, और क्लीन, ठीक है, क्लीन मतलब साफ, आप इससे अधिक साफ भी कर सकते हैं, स्पॉटलेस कर दीजिए उसे, बिल्कुल वो आपके पास में हो जाएगा एकदम एक्सट्रीम क्वालिटी का। एंग्री, एंग्री तो ठीक है, आप गुस्सा है, क्रोधित है, थोड़ा बहुत नॉर्मल है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फ्यूरियस हो गया तो फिर भाई कमाल ही हो जाएगा। ओल्ड आपके पास में है, ओल्ड ठीक है, पुराना है, लेकिन एंशियंट बोल दिया तो मतलब उससे पुराना नहीं हो सकता, न्यू नया बोल दिया, लेटेस्ट आपके पास में है तो मतलब लेटेस्ट से और नया नहीं हो सकता। फनी आपने बोल दिया, ठीक है, कुछ और भी फनी हो सकता है, इससे ज्यादा भी फनी बनाया जा सकता है। हिलेरियस बोल दिया, मतलब अब फनी नहीं बना सकते, अब जितना हो गया वो हो गया, एक्सट्रीम पर पहुंच गए हम।
आपके पास में हंगरी है, भूखा है, मतलब हंगरी मैन रह सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन अगर वो रेवोनियस है तो उसकी खैर नहीं फिर, ठीक है। होट आपके पास में है गर्म, उसके बाद में है स्कॉर्चिंग या बॉइलिंग, तो इससे ज्यादा गर्म नहीं हो सकता। तो ये कुछ वर्ड थे जो मैंने आपको बताया कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो आगे टॉपिक आएगा वो होगा कंपेरेटिव डिग्री, और ये यूज करेंगे हम दो के लिए। तो अभी हमारा 15 मिनट्स का वीडियो है ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी हम कंपेरेटिव डिग्री को कल स्टार्ट करेंगे। अगर अभी स्टार्ट करते हैं तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे रूल आपको जानने हैं, मैं एकदम डिटेल से आपको सारी चीज पढ़ा रहा हूँ। देखिए अभी हमारा कंपेरेटिव डिग्री खत्म हुआ है, इससे पहले जो जानकारी आपको चाहिए थी, ये जो डिग्री वर्ड है सारा का सारा एडजेक्टिव को ही डिफाइन करता है, तो आपको पढ़ना इसी में है, और डिग्री भी आपको समझ में आ जाएगी और एडजेक्टिव भी। सारी चीजें डिटेल से अच्छे से समझा रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे हमें मिस्टेक हो रही है, तो मैं आपका जरूर इंप्रूवमेंट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और आपको जो भी डाउट है उनको भी अलग से वीडियो बना के क्लियर कर सकता हूँ। तो वीडियो को आप जरूर से कर दीजिएगा लाइक, साथ में आप करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर, क्योंकि आपके पास में भी एक दो व्हाट्सएप ग्रुप तो होते ही हैं, तो शेयर करने में कोई बुराई बात नहीं है। उसके साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो मिले तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।